मिलके हम पंजाब को रंगला पंजाब बनाएंगे और बिजली के मामले में पंजाब को सरप्लस बनाएंगे। 24 घंटे बिजली रहती है जी, कोई दिक्कत नहीं बिजली की। सानू गरीबों का जीवन का स्तर जिहड़ा जीवन उच्चा पद्धर किवें चक सकते हैं, ये साडियां प्रायोरिटीज ने। मेरे ते यकीन तुसीं कीता तां यकीन रखियो, मैं तुहाडा यकीन कदे टुटण नहीं दूंगा। लोकसभा चुनाव को लेकर हिमाचल बीजेपी ने चुनावी शंखनाद फूंक दिया है। मंगलवार को ऊना जिला मुख्यालय पर स्थित बीजेपी के कार्यालय दीप कमल में संयुक्त मोर्चा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल और नेता विपक्ष जयराम ठाकुर सहित वरिष्ठ नेताओं ने बैठक में हिस्सा लेते हुए सातों मोर्चों के पदाधिकारियों को पार्टी की आगामी गतिविधियों से अवगत कराया। वहीं बैठक के दौरान पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ने सभी मोर्चों की जिम्मेदारियां सौंपते हुए केंद्र सरकार के 10 सालों की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी पूरी तरह से तैयार है। आज से सभी मोर्चे अपने अपने वर्ग में चुनाव अभियान के लिए जुट जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के 7 मोर्चे हैं। सातों मोर्चों के पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक आज ऊना में संपन्न होने जा रही है। हमारे मोर्चे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो अपने अपने वर्ग के अंदर जाकर भारतीय जनता पार्टी के विस्तार का काम करते हैं और आने वाले 2024 के चुनाव के दृष्टिगत सभी मोर्चे अपने आप को पूरी तरह से सज्ज करके तैयार हैं। आज सभी मोर्चे अपने अपने काम पर चुनाव अभियान की दृष्टि से जुट जाएंगे। सबकी अपनी अपनी योजनाएं हैं, यथा युवा मोर्चा नव मतदाता सम्मेलन करेगा 25 तारीख को, इसी तरह से किसान मोर्चा एक गांव 11 किसान इस प्रकार का अभियान चलाएगा। जो हमारा अल्पसंख्यक मोर्चा है वो एक बूथ 5 अनुसूचित वर्ग, ऐसे सारे अपने अपने अभियान को चलाएंगे। महिला मोर्चा सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करेगा, महिलाओं में काम करेगा। तो भारतीय जनता पार्टी का संपूर्ण विस्तार हर वर्ग तक हो, इसकी एक विहंगम योजना, उसकी एक महत्वाकांक्षी योजना आज तैयार होगी और उस दिशा में मोदी जी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और हिमाचल प्रदेश की चारों सीटें भाजपा जीते, उस तैयारी में आज ये मोर्चे जुटे। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज हिमाचल.केसरी।